Good afternoon to all of you. Myself Dr. Parul Tyagi from IMT College of Law. And today, my topic name is lecture topic name is Shivaji Chhatrapati Shivaji Administration, the Great Maratha. Chhatrapati Shivaji Maharaj was a founder of the Maratha Empire and he was born in a Shivneri fort in Maharashtra on 19th Feb 1930. This is a date long mentioned. कुछ ने कहा है कि इज़ राइट, right, कुछ इसमें मेंशन किया गया है, कुछ इतिहासकारों ने इसे 1627 भी इंक्लूड किया है और इसे अप्रैल मंथ में डिफाइन किया है बट एनीस नाइनटीन फैप 1630 इज मोस्ट एक्सेप्टेबल डेट इनकी मदर का नाम राजमाता जीजाबाई था एंड इनके फादर श्री शाहजी राजे भोसले थे जो कहा जाता है कि जो जीजाबाई थी वो हमेशा लोट शिवा को बहुत ज्यादा मानती थी उनकी पूजा करती थी और वो हमेशा एक ब्रेव सन की डिमांड करती थी शिवाजी से शिवजी से और जब शिवाजी का जन्म हुआ तो शिव के नाम पर ही उनका नाम शिवाजी रखा गया जीजा भाई एक बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की लेडी थी बहुत रिलीजियस थी एंड उसके अलावा वो हमेशा शिवजी को शिवाजी को हिंदुत्व की बातें बताती थी हिंदू के बारे में बताती थी महाभारत रामायण पुराण उनको हमेशा हर चीज के बारे में ज्ञान देती थी तो कहीं ना कहीं उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा शिवाजी पर भी रहा है इसमें सबसे अच्छी बात ये थी कि शिवाजी से पहले शाहजी भोसले केवल और केवल अहमदनगर के और बीजापुर के राजा निजाम शाह और अहमद शाह के अंडर ही काम किया करते थे उनका कोई अपना कोई स्पेशल स्टेट नहीं थी कोई पर्टिकुलर एरिया नहीं था वो कोई बहुत बड़ा रीजन उनके पास नहीं था लेकिन धीरे धीरे जब छत्रपति शिवाजी ने सत्ता संभाली तो धीरे धीरे उन्होंने मराठों को इकट्ठा करना शुरू किया उन्हें कलेक्ट करना शुरू किया और उसके बाद उन्होंने एक मराठा को एक करके एक महाराष्ट्र मराठा के नाम किया छत्रपति शिवाजी का जन्म ये तो हम बता ही चुके हैं आपको कि शिवनेरी में हुआ था ये पुणे में था एंड 19th फेब 1630 को हुआ था जो कि सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल भी बताई गई है डेट इसके अलावा इनके फादर स्टार्टिंग में स्टार्टिंग में वो बीजापुर के आदिल शाह के अंडर काम करते थे और उससे पहले अहमदनगर के निजाम शाह के अंडर काम करते थे उस समय मराठों ने आदिल शाह से के साथ मिलकर जो कि बीजापुर के थे निजाम शाह के खिलाफ एक युद्ध छेड़ा था और इसमें बहुत कोशिश की थी शाहजी भोसले ने कि वो मुगलों को रोक सके पर वो नहीं रोक पाए और एक टाइम के बाद अहमदनगर जो कि निजाम शाह के पास था धीरे धीरे उसका एंड हो गया जैसे उसका एंड हो गया तो जो शाहजी भोसले थे वो बीजापुर के आदिल शाह की सेवा में चले गए इनकी सेवा में उन्होंने उन्हें एक्सेप्ट भी किया और इतना ही नहीं उन्हें कर्नाटक का हेड बनाकर कर्नाटक शिफ्ट कर दिया इसके अलावा उन्होंने बैंगलोर का भी कुछ पार्ट शाहजी को दिया बताया जाता है कि जब वो 12 साल तक शिवाजी अपनी मदर के साथ बैंगलोर में भी रहे थे काफी टाइम उन्होंने वहां स्पेंड किया था इसके बाद इसके अलावा कुछ उनको एरिया जैसे सूपे है इंदापुर है चाकन है ये सारा एरिया जो कि भीमा और नीरा रिवर के बीच में आता था ये एरिया भी शाहजी को दिया गया शाहजी ने उस जागीर को बहुत अच्छे से संभाला और बाद में लक्ष्मी नगर की कुछ जागीरें थी वो अपनी वाइफ जीजाबाई और शिवाजी को सौंप दी कि वो वहां पर उसको ध्यान रखें कहते हैं शिवाजी का जो पूरा टाइम था वो पुणे की पहाड़ियों के आसपास ही बीता और अपनी जीजाबाई के साथ इसलिए एज अ सिंगल मदर उन्होंने पूरे टाइम उनको पाला है क्योंकि सबसे ज्यादा टाइम उन्होंने उनके साथ स्पेंड किया है बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस जो हमें देखने को मिलता है वो हमें सबसे ज्यादा जो मिलता है वो उनकी मदर कहीं मिलता है इसके बाद उनकी रामदास जो उनके गुरु थे और कोकन थे उन्होंने उनकी पूरी शिक्षा पर ध्यान दिया उन्हें सबसे मेन गोरिला एक जो पॉलिसी होती है जो पहाड़ों पर अगर आप युद्ध कर रहे हो तो एक गोरिला एक सिस्टम है एक प्रणाली है जो उनको सिखाई ताकि वो ये सर्वाइव कर सकें गुरीला वॉरफेयर के नाम से वो जानी जाती है जो कि शिवाजी ने मुगलों के खिलाफ बहुत अच्छे से उसको लीड किया और बहुत अच्छे से चलाया था छत्रप्रद जो शिवाजी थे उन्होंने वेस्टर्न इंडिया को पूरी तरह से अपने अंडर ले लिया था और मराठों का एक एम्पायर बड़ा एम्पायर स्टैब्लिश किया था उसके लिए उनको एप्रिशिएट भी किया जाता है आज तक भी कि कैसे उन्होंने सिंगल हैंड पहले मराठों को इकट्ठा किया और फिर उसके बाद बीजापुर के राजा के साथ भी और इसके अलावा मराठों से भी पूरे टाइम एक युद्ध किया और बहुत स्टैब्लिश सेना के साथ बहुत डिसिप्लिन सेना के साथ और एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल के साथ उन्होंने इसको आगे बढ़ाया था ये जाने जाते थे अपनी मिलिट्री ट्रैक की वजह से मतलब इनकी मिलिट्री बहुत बड़ी नहीं थी बहुत स्टैब्लिश नहीं थी बट एक डिसिप्लिन में थी और एक जो उनका फॉर्मूला था गोरिला उससे ये लोग युद्ध किया करते थे यही कारण था कि मराठों के बहुत सारे एरिया जो मराठों ने मुगलों के बहुत सारे एरिया को कैप्चर कर लिया था ऐसा नहीं था कि शिवाजी की जो स्टेट थी वो स्टैब्लिश थी नहीं जैसे कि सूरत है कई बार सूरत पर शिवाजी ने अटैक किया उसको अपने अंडर भी ले लिया लेकिन मुगल ने फिर उसको अपने अंडर ले लिया तो कुल मिलाकर ये सब तो चलता रहा लेकिन महाराष्ट्र को मराठा को करने का जो सबसे बड़ा श्रेय जाता है वो शिवाजी को ही जाता है वरना इससे पहले जो मराठे थे जितने भी मराठास थे ये सारे का आ, सारे सिर्फ एक सैनिक एज अ सोल्जर की तरह काम करते थे अहमदनगर और बीजापुर के लिए यानी कि निजाम शाह और अहमद शाह के अंदर केवल और केवल ये एज अ सैनिक काम किया करते थे लेकिन इनको एक गुट बनाना इसकी एक स्टेट बनाना मराठों को एक नाम देने का जो काम था वो शिवाजी ने किया था ये एक चार्ट है जिसमें पेशवा कौन कौन से रहे हैं कौन कौन सी स्टेट रही थी उनके पास कौन कौन सी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी सोशल कंडीशन कैसी थी इसके बारे में अब हम पढ़ते हैं सारी सबसे पहले शिवाजी के जब हम बात करते हैं उनका इंट्रो हमने पढ़ा हमने पता है उनका जन्म कब हुआ था हमने ये भी पता किया उनकी मदर कौन थी जीजाबाई थी शाहजी भोसले उनके फादर थे हमें ये भी पता किया कि शाहजी ने कैसे सबसे पहले निजाम शाह के लिए काम किया निजाम शाह के बाद उन्होंने टर्न कर लिया जब वो उनका राज्य डिस्ट्रॉय हो गया तो वो बीजापुर के अंडर चले बीजापुर ने उनकी कर्नाटक शिफ्टिंग की उसको काफी सारा एरिया उन्होंने कवर किया बैंगलोर में 12 साल तक शिवाजी रहे अपनी मदर के साथ बाद में उन्हें पुनः शिफ्ट हो गए वहां पर उनकी शिक्षा भी हुई और एक हिंदुत्व की भावना एक हिंदू धर्म के किस पे वो अग्रसर हुए अपनी मदर से सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस होने होने के बाद तो कुल मिलाकर ये सारी चीजें हमें देखने को मिली इसके बाद सबसे मेन जो कहा जाता है वो ये बताया जाता है इनका एडमिनिस्ट्रेशन इनका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग था एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रांग इसलिए था क्योंकि छोटा सा स्टेट था लेकिन उसको बहुत स्ट्रांगली एंड डिसिप्लिन में बनाया गया था तो सबसे पहले आता है एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे बड़ी पोस्ट थी छत्रपति शिवाजी की शिवाजी जब 1674 पर गद्दी पर बैठे थे मराठों के अज किंग बन के तो उन्होंने छत्रपति के नाम से अपने आप को विभूषित किया था और वो गद्दी पर बैठे थे काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री की 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 बात की जाए छत्रपति शिवाजी की तो वो सबके हेड खुद थे लेकिन कहते हैं ना एक राजा हर चीज को हैंडल नहीं कर सकता उसको सपोर्ट की जरूरत पड़ती है इसीलिए उन्होंने अपनी एट मेंबर टीम बनाई थी जिसे अष्ट प्रधान भी कहा जाता है और इस अष्ट प्रधान की जो टीम थी पूरी की पूरी जो टीम थी इसमें पूरे आठ मिनिस्टर थे लेकिन कोई भी परमानेंट नहीं था यानी उन्होंने कोई सीट नहीं बनाई थी। उनके अकॉर्डिंग अगर कोई काम सही करेगा तो वो परमानेंट है अगर कोई काम सही नहीं करेगा तो वो परमानेंट नहीं है तो पहली सीट आती थी पेशवा पेशवा लाइक प्राइम मिनिस्टर एंड वजीर द मोस्ट इंपोर्टेंट पोस्ट आफ्टर द किंग आफ्टर द छत्रपति आफ्टर द शिवाजी ऑफ़ शिवाजी सारी चीजें जो थी एडमिनिस्ट्रेटिव की पेशवा ही देखते थे स्पेशली इनको प्रोविंस में हेड के तौर पे भी काम करना होता था जैसे कि सबसे बड़ा एग्जाम्पल है बाजीराव द्वितीय जिनको पूना का एडमिनिस्ट्रेशन मिला था हाईएस्ट पोस्ट है द मंजुमदार ही इज ऑल्सो नो एज अ चार्ज ऑफ द किंगडम फाइनेंशियल हेल्थ यानी जितनी भी इनकम आ रही है जितनी भी आय है जितनी भी वे है ये सब का ब्यूरो रखते थे पूरा इनके पास रिकॉर्ड होता था एक तरह से पूरा फाइनेंस देखते थे नेक्स्ट पोस्ट आती है पंडित राव पंडित राव यस yes, ये पोस्ट स्पेशली रखी गई थी मैंने आपको पहले भी बताया था कि शिवाजी एक हिंदुत्व को बहुत ज्यादा मानते थे इसीलिए वो कोई भी काम बिना मुहूर्त के शुभ मुहूर्त के नहीं करते थे इनफैक्ट पंडित राव पोस्ट जो था वो उनका स्पिरिचुअल हेड था नॉट ओनली इवन जो उनके रिलीजियस वर्क थे इवन वो कोई वॉर पे जाते थे एडमिनिस्ट्रेटिव का जितना भी काम होता था वो पंडित राव के एडवाइस से किया जाता था उनको हर चीज में शामिल किया जाता था हर फैसले में पंडित राव की इंपॉर्टेंस थी ये दिखाता है कि वो हिंदुत्व को बहुत मानते थे वो सुपरस्टिशियस नहीं थे बट यस वो पूजा पाठी थे वो हर चीज को एक कायदे से करने की कोशिश करते थे दाबीर द नेक्स्ट पोस्ट फॉरन सेक्रेटरी इसका टास्क जो था वो एडवाइस करना था जितनी भी फॉरेन पॉलिसी है उनको डिफाइन करना उस लैंग्वेज को एक्सप्लेन करना दाबीर का ही काम था नेक्स्ट पोस्ट इज सेनापति सेनापति द आर्मी हेड आर्मी को अपॉइंट करना उन उनका इंटरव्यू लेना उनको प्लेसमेंट करना उनकी ट्रेनिंग लीड करना सब कुछ सेनापति का काम होता था नेक्स्ट द न्यायाधीश छत्रपति शिवाजी न्याय खुद न्याय करते थे कानून बनाने कानून को लागू करने और कानून का उल्लंघन करने का दंड देने का केवल केवल राइट जो था वो केवल और केवल शिवाजी को ही था लेकिन इसके बावजूद भी शिवाजी ने न्यायाधीश की एक पोस्ट रखी थी क्योंकि हर जगह वो अवेलेबल नहीं हो सकते थे और हर टाइम शायद वो इतने बिजी थे कि वो सबको न्याय नहीं दे पाते थे इसलिए न्यायाधीश रखा गया था ये सिविल ज्यूडिशियल एंड मिलिट्री सबके ये आपके सैनिक और असैनिक दोनों के केसेस यही हैंडल करते थे नेक्स्ट है मंत्री मंत्री ये आ, एक तरीके से किंग के सारे जो उनके डेली बेसिस पे जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं जो उनकी नीड्स होती है लाइक like सेक्रेटरी की तरह ये इनके साथ रहते थे और सारी चीजें मेंटेन करते थे नेक्स्ट पोस्ट द सचिव ही in charge ऑफ रॉयल correspondence। जितने भी correspondence जितनी भी रिस्पांसिबिलिटी थी आना जाना किसके साथ क्या विचार विमर्श करना है किसको क्या भेजना है क्या लेना है सारा काम द सचिव ही किया करते थे अब आता है प्रोविंस शिवाजी ने अपने प्रोविंस को फोर में डिवाइड किया था सबसे पहले जो था वो था आपका नॉर्थ सेकंड साउथ वेस्ट साउथ ईस्ट एंड साउथ नॉर्थ नॉर्थ में उन्होंने पूरा एरिया जो कवर करने की कोशिश उस समय की थी स्पेशली सूरत और पुणे नाउ इसके बाद साउथ वेस्ट में इन्होंने साउथ वेस्ट में उस समय जो आज के टाइम में मुंबई का एरिया है वो पहले पूरा साउथ वेस्ट में आता था एंड कोकण ये साउथ वेस्ट के एरिया थे इसके बाद साउथ ईस्ट की अगर हम बात करें तो साउथ ईस्ट में इनका पुणे के बाद सतारा कोल्हापुर बेलगांव आता था और लास्ट साउथ जिसमें जीजी इन्होंने इंक्लूड किया था शिवाजी के सारे रिकॉर्ड संस्कृत लैंग्वेज में होते थे आपने देखा होगा कि मराठा और संस्कृत लैंग्वेज काफी सिमिलर है और ये रीजन है और आज भी अगर आपको एक हिंदुत्व की झलक देखनी है और आपको प्रॉपर हमारे हिंदुत्व में क्या होता था वो देखना है तो उसके लिए महाराष्ट्र जाना पड़ेगा मराठा को देखना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने आज भी अपने कल्चर को जिंदा रखा है इसके थ्रू रिन्यू एडमिनिस्ट्रेशन शिवाजी का कैसा था शिवाजी ने सबसे पहले जागीरी सिस्टम साहूकार जो होते हैं जो बीच में मिडिटेटर का काम करते हैं उनको खत्म कर दिया होता क्या था जागीदार लोगों से किसानों से टैक्स लेते थे लेकिन वो कभी भी प्रॉपर टैक्स नहीं ले लेते थे थोड़ा बढ़ा के टैक्स लेते थे कुछ पैसा अपने पास रख के राजा के पास पहुंचाते थे इसीलिए इन पर कंट्रोल करने के लिए शिवाजी ने सिस्टम को ही खत्म कर दिया उन्होंने इसके बदले रेयतवाड़ी सिस्टम रखा रेतवाड़ी सिस्टम सुल्तान और प्रजा यानी कि राजा और प्रजा के बीच में सीधा संपर्क अब उनको किसी भी मिडिटेटर की जरूरत नहीं है उसको अब उनकी प्रजा को टैक्स देने के लिए टेक्स, स्टार्टिंग का जो टैक्स था वो थर्टी थ्री परसेंट था क्योंकि अकबर मलिक अकबर ने उस समय एक सिस्टम लेके आए थे मलिक अकबर उन्होंने काठी काठी लाइक का स्टिक uh, एक छड़ी की तरह छड़ी से लैंड मेजरमेंट किया जाता था उसी के थ्रू उन्होंने सारी एक्टिविटी स्टार्ट की थी और उन्होंने पूरा लैंड मेजरमेंट किया लैंड मेजरमेंट करने के बाद उन्होंने देखा कि कितनी जमीन uh, योग्य है भूमि के कितनी नहीं है कैस पे कितना टैक्स लगना चाहिए कितना नहीं लगना चाहिए तो स्टार्टिंग में थर्टी थ्री परसेंट था लेकिन बाद में इसको बढ़ाकर फोर्टी परसेंट कर दिया गया इन टैक्स के अलावा दो टैक्स और मराठाओं ने इंक्लूड किए थे चौथ चौथ एक ऐसा टैक्स बताया जाता है इज अ क्वार्टर ऑफ द स्टैंडर्ड पेड ऑफ मराठा एज अ डिफरेंट अगेंस्ट शिवाजी फोर्स रीडिंग नॉन मराठा टेरिटरी मतलब जितनी भी नॉन मराठा टेरिटरी थी जिनको जीता था मराठों ने उनसे टैक्स लिया जाता था उनका वन फोर्थ इसके अलावा उनके पूर्वज बहुत टाइम से एक टैक्स भी लिया करते थे एंड सरदेश मुखी वॉज द टेन एडिशनल डिमांडेड फ्रॉम एरिया आउटसाइड ऑफ द किंगडम मराठा जो थे वो टैक्स लेकर ही अपना एडमिनिस्ट्रेशन जो उनका चलता था, चलता था था वो टैक्स से ही क्योंकि उनके पास एक अदर इनकम सोर्सेज नहीं थे बहुत ज्यादा जिसके चलते वो टैक्स पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया करते थे चौथ को लेकर काफी सारे जो हिस्टोरियन है उनके अलग अलग रिव्यू है कुछ कहते हैं जो उनसे लिया जाता था जिनको वो जीत लेते थे जिन राज्यों को जो नॉन मराठा होते थे लेकिन कुछ जो हिस्टोरियन उन्होंने कुछ अलग ही ओपिनियन दिया उन्होंने कहा है कि जो मराठा के बॉर्डर पर जो लोग रहते थे उनकी सिक्योरिटी के लिए भी उनसे टैक्स लिया जाता था जिसको चोत कहा जाता था एनी कुछ भी हो ये वन फोर टैक्स था जो इतना तो कन्फर्म है कि नॉन मराठों से ही लिया जाता था जुडिशल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था शिवाजी का जुडिशल सिस्टम बहुत ज्यादा ही सिंपल था कोई बहुत ज्यादा इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं थे सिंपल था ज्यादातर जो कोशिश करते थे शिवाजी की वो जजमेंट खुद ही दे ताकि उनकी प्रजा उनसे सेटिस्फाई रहे मराठे उनसे सेटिस्फाई रहे लेकिन ये पॉसिबल होता नहीं है एनीवेज़ इसके अलावा मैंने बता आपको पहले भी बताया था कि न्यायाधीश मेन जज होते थे द हाइएस्ट कोर्ट वॉज द किंग्स हजार मंजिल्स यानी कि हाइय स्कोटो किंग का ही था जिसे हजार मंडल कहा जाता था लेकिन इसके अलावा न्यायाधीश भी न्याय करते थे और भी बहुत सारी वेरियस आप कह सकते हो वैरायटी थी वहां पे उस समय जो न्याय मिलता था स्पेशली अगर विलेज की बात की जाए तो दो पार्टीज के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स होती थी या किसी आप सु, बोल सकते सिविल जितने भी केसेस होते थे वो सारे के सारे पंचायत हैंडल करता था लेकिन जो क्रिमिनल केसेस होते थे वो विलेज के पटेल पटेल पत एक कास्ट थी और इसी के अकॉर्डिंग ही वहां डिसाइड किए जाते थे जज वो ही सब कुछ हैंडल करते थे टू टाइप कलेक्टेड इन इंडिया पर्टिकुलरली कलेक्ट बाई मराूरिंग दिल इन हिस्ट्री आर द मोस्ट इम्पोर्टेस इन दैक्सम ड्यूरिंग द मराठाज रूलर विच वॉज द फाउंडर बाय अ ग्रेट मराठा लीडर शिवाजी यस चोथ एंड सदेशमुखी यहाँ इसलिए इसको इंक्लूड किया गया है कि जजेस के टाइम पे भी जो होते थे इन्हीं टैक्स से हमारा सारा सिस्टम चलता था उनका आर्मी इसी पे बेस्ट थी इनकी और पूरी जो आर्मी इन्होंने बनाई थी जुडिश सिस्टम में जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन की जो सैलरी आती थी वो भी इन्ही टैक्स के अकॉर्डिंग आती थी नेक्स्ट है इनका मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन देखिए, बहुत ज्यादा बड़ी सेना नहीं थी शिवाजी के पास लेकिन उन्होंने अपनी सेना को बहुत डिसिप्लिन में रखा था और बहुत अच्छे से रखा था वो उनको सैलरी सबसे टाइम से देते थे इसके अलावा जो बातें बताई जाती है कि उनके पास तीन थ्री टाइप्स की आर्मी थी फर्स्ट थी पागा पागा में दो तरह के सोल्जर्स इंक्लूड किए गए थे एक तो होते थे जो प्राइवेट अपना हॉर्स लेकर आते थे और एक होते थे जिनके पास जो घुड़सवार होते थे वो राजा राज की तरफ से राज्य की तरफ से मिलते थे और इन सब का हेड होता था जिसे भिश्ती भी कहा जाता था अ हवलदार कहा जाता था एक सिलदार होते थे ये मेंटेन बाय नोबल्स ये नोबल्स हैंडल करते थे और इसके अलावा कभी कभी ऐसा होता था जो सिलदार होते थे ये पेड होते थे मतलब कि जैसे कि किसी आर्मी पे शिवाजी की आर्मी कम पड़ गई है तो वो रेंट पे इसको बुला लेते थे इसके अलावा शिवाजी के पास पैदल सेना भी थी कभी कभी क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि साउथ वेस्ट में मुंबई का पूरा क्षेत्र इनके पास था सूरत पर भी रहते थे तो समुद्री बेड़ा भी इनके पास था एक पड़ती रहती थी उन्होंने अपनी आर्मी को अच्छे से मेंटेन किया था एंड बताते हैं कि टू फोर्टी फोर्ट्स के अकॉर्डिंग इनके पास 240 के करीब फोर्ट थे अपनी सुरक्षा के लेकर चलिए शिवाजी के बारे में ये कहना बहुत सही होगा कि शिवाजी ने अपनी पूरी आर्मी को बहुत अच्छे से मेंटेन किया था मैंने पहले भी बताया था कि मुगलों के और बीजापुर के अकॉर्डिंग मराठों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं थी लेकिन एक डिसिप्लिन में एक बहुत अच्छे से मेंटेन किया था उन्होंने अपनी पूरी की पूरी आप बोल सकते कि पूरी की पूरी आर्मी को अपने जिसके बेस पे उन्होंने इतना बड़ा एम्पायर बनाया था शिवाजी एक ऐसी पर्सनैलिटी थी जो आई और मराठे जो बिखरे हुए मराठे थे उनको एक किया और ऐसे हिंदुत्व का एक जोत महाराष्ट्र में जलाया जिस उस महाराष्ट्र में जिस महाराष्ट्र को कभी अकबर ने अपने अधीन कर लिया था अहमदनगर बीजापुर को और जब शिवाजी का जन्म हुआ था तो पूरा महाराष्ट्र अहमदनगर और बीजापुर निजाम शाह और अहमद शाह के पास था पूरा का पूरा लेकिन धीरे धीरे उनको और मराठा एज ए सोल्जर की तरह काम किया करते थे लेकिन उनको आपस में जोड़ना और एक बड़ी स्टेट बनाना और ऐसा स्टेट बनाना कि आज भी एट प्रेजेंट अगर आप देखें तो महाराष्ट्र मराठो के नाम से जाना जाता है और अगर हिंदुत्व की बात की जाए हमारे हिंदू कल्चर की बात की जाए तो मराठा से अच्छा कोई कल्चर मतलब हमें देखने को नहीं मिलता आज भी अगर हमें अपने हिंदुत्व की कुछ चीज देखनी है तो हमें मराठो को देखना होगा तो इसके साथ ही छत्रपति शिवाजी हम यहाँ पे अपना चैप्टर खत्म करते हैं नेक्स्ट फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर लेके थैंक यू